नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, आज एक जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आप सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए एक कह सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले काफ़ी सारे टाइम तक जो है टर्बो सी के नाम से जो जाना जाता था सॉफ्टवेयर, उसको यूज़ किया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और ये जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, मैं काफ़ी समय से इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप नाम देख रहे होंगे कोड ब्लॉक्स, और आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख दीजिए विंडो 10। जैसे ही आप लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा आएगा बाइनरी रिलीजेस कोड ब्लॉक, और यहाँ पर आने के बाद जो है आपको करना क्या है, विंडो XP विस्टा 7, 8, 10, ये आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आ गए हैं सेटअप। आपको लेटेस्ट सेटअप जो है आपके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये जो है लिंक है, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप फुली इसका सेटअप कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए कोड ब्लॉक, आप यहाँ पर डबल टैप कीजिए, 20.03 ये अभी इसका वर्जन चल रहा है, ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE है। ये इस तरीके से देखिए दोस्तों दिखाई देता है, और ये जो सारे फंक्शंस हैं दोस्तों, ये इस तरीके से एक वीडियो में बताए जाने संभव नहीं है। आप धीरे धीरे करके इनका इस्तेमाल जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा एक्चुअल में इनका पर्पस क्या है। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग होता है तो मैं इसके ऊपर एक या दो वीडियो और बनाऊँगा, जिसकी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों अब बेसिकली करना क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे सॉफ्टवेयर्स में ये लगभग ये ऑप्शंस आते हैं, और इनका जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग इन सबका काम होता है। आप फाइल पर जाएं, न्यू करें, एम्प्टी फाइल पर क्लिक करें, क्लास, प्रोजेक्ट, बिल्ड, टारगेट, बहुत सारे यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ एम्प्टी फाइल पर क्लिक कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है Ctrl+Shift+N, या फिर आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर आप न्यू फाइल पर क्लिक कर सकते हैं, देन आप एम्प्टी। देखिए दोस्तों, ये एम्प्टी फाइल आ गई है। अब हमें करना है यहाँ पर कोड लिखना है सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। अभी दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं अपनी वेबसाइट से कोड उठा लेता हूँ, जिसके लिए मैं चलता हूँ हमारी जो वेबसाइट है technologywithvivek.com। यहाँ पर चलने के बाद हम सी लैंग्वेज के टैब पर आते हैं, और यहाँ से एक जो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का एक कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप भी दोस्तों इस वेबसाइट से ये सारे कोड उठाकर कॉपी करके आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग करना शुरू किए हैं, आप बिगिनिंग लेवल पर हैं, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इनको आसानी से पेस्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कोड जो है सही है और उसमें कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपका बहुत सारा समय यहाँ से बच जाएगा। अभी ये जो कोड है मुझे सेव करना है, तो मैं यहाँ से Ctrl+S कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से जो आपको ऑप्शन दिख रहा है सेव कर सकता हूँ। ये भी जो आपको दिख रहा है, यहाँ भी ऑप्शन आता है सेव का, तो आप Ctrl+S कीजिए, ये विंडो आ जाएगी। और मैं डेस्कटॉप पर लिख देता हूँ, मेरे प्रोग्राम का नाम है स्ट्रिंग, टाइप आप देख रहे हैं C/C++ फाइल्स, और मैं स्ट्रिंग नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये सेव हो चुका है, आप देख रहे हैं इसका जो पर्टिकुलर जो रंग है ये चेंज हो चुका है, जो वेरिएबल्स हैं, जो हेडर फाइल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल्ड, रन, बिल्ड और रन, हम ये दोनों करेंगे, बिल्ड और रन। इससे दोस्तों इसकी जो फाइल बनती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनती है, वो एक सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के तौर पर भी काम करती है। ये रन भी करेगा कंसोल पर जाकर, जहाँ पर एक ब्लैक विंडो आती है और वहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। आइए हम इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे सी यूजर विंडो 10 डेस्कटॉप स्ट्रिंग .exe। दोस्तों exe जो होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, और ये यहां से जब हमने इसको बिल्ड किया है तो ये बन गई है। अब मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट स्ट्रिंग, ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है, हम क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं तो मैंने ये अलग अलग स्ट्रिंग लिख दी है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये देखिए Entered strings are not equal, ये equal नहीं है क्योंकि हमने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। मैं किसी भी की को प्रेस करके वापस कोड पर आ जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम मैं रन करूंगा, और अब जो है मैं दोनों नामों को यहाँ पर सेम लिख के दिखा देता हूँ।
ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कोड सही है या नहीं। ये देखिए एंटर्ड स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स में हमने सेम नाम लिखा हुआ था और इसी तरीके से आप इनको जो है कंपेयर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा एक आपके लिए आईडी एक प्लेटफॉर्म है कोड ब्लॉक। आप एक और देखिए, मैं एक और दिखा देता हूँ। एम्प्टी फाइल लीजिए, यहाँ पर आने के बाद वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट पर चलने के बाद कोई दूसरा कोड यहाँ से उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं, और ये जो है हम इसको स्ट्रिंग को लोअर लेवल से अपर लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉपी कर लेंगे इस कोड को। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम वापस चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ये थोड़ा कंटेंट जो है ज़्यादा पेस्ट हो गया है। ये इस तरीके से मैंने इसको कवर कर लिया है। मैं अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ स्ट्रिंग वन, और ये सेव हो चुका है दोस्तों डेटा हमारा। और आप देख सकते हैं ये अब जिस तरीके से लिखा है, अब आप यहाँ से इसको रन कराइए, बिल्ड और रन करा दिया है। देखिए स्ट्रिंग वन डॉट exe, एंटर द अपर केस स्ट्रिंग। अपर केस स्ट्रिंग मैं लिख देता हूँ, ये मैंने अपने नाम को कैपिटल में लिख दिया है। जैसे ही एंटर करूँगा ये देखिए ये इसने इसको स्मॉल में कर दिया है। अब मैं इसको स्मॉल में लिख देता हूँ, जैसे ही एंटर करता हूँ इसने इसको कैपिटल में कर दिया है। तो दोस्तों ये जो कोड था आप देख सकते हैं, एक बार हम अपर में कर रहे हैं हमारे दिए गए नाम को स्ट्रिंग को, एक बार हम लोअर में कर रहे हैं। इस तरीके से आप जो है इसको करके देख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने लिख दिया है, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये स्मॉल लेटर हो चुका है, और जब मैं स्मॉल में लिखूँगा तो ये कैपिटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, आपके जो भी पास आपके पास है उसमें आप इसका इस्तेमाल करके जो है सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को आसानी के साथ बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से क्विट बंद कर देता हूँ, और मिनिमाइज़ करने के बाद ये देखिए ये जो डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं जो हमने स्ट्रिंग बनाया था, ये पहला जो प्रोग्राम था, यहाँ पर ये फाइल है, ये इसका सोर्स कोड सोर्स फाइल है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं स्ट्रिंग हो, ये एक 1.22 KB की जो फाइल है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगी। और इसके साथ देखिए ये बनाया हुआ है इसका सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों जो बैकग्राउंड में देखिए ये कोड ब्लॉक बंद है, आप नीचे भी देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में यहाँ पे रन करेगा। इसके पीछे कोड किया गया है, आप इसको कहीं भी अपने कोड को बनाकर भेज सकते हैं इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के तौर पे। और जैसे ही आप यहाँ पर जो है लिखेंगे और उसको चलाएंगे तो देखिए ये यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के साथ ही ये बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर फाइल जो बनी है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हमने बिल्ड और रन कराया था उसकी मदद से बनी है। इस तरीके से दोस्तों आप इस कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग को, सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ आया, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।